बीजेपी नेता और एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शुक्रवार शाम को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। इस बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत हासिल न कर पाने के चलते एनडीए के घटक दलों की भूमिका अहम है। हालांकि नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी नेताओं ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है और एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर उनके नाम पर भी मोहर लगा दी गई है। टीडीपी और जेडीयू दोनों ने गठबंधन के नेता के रूप में मोदी का समर्थन किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 7:15 तय है। सबसे पहले आज नरेंद्र मोदी सुबह सुबह राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी यहां से सदैव अटल के लिए भी रवाना हो गए। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, यहाँ पर भारत के वीर सपूतों को नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी राजघाट और सदैव अटल पहुंचे हुए थे।